मुस्लिम समुदाय का त्यौहार शबे बारात का आगाज़ हो गया, जिसके तहत धूमधाम से शबे बारात का त्यौहार मनाया गया। कब्रिस्तान में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के अनुयायियों ने बताया कि यह त्यौहार उनके लिए सुख समृद्धि और शांति का पैगाम के साथ साथ वर्ष के पहली त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। इस त्यौहार में सभी लोग अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान पर जाकर अगरबत्ती एवं दीप जलाकर पूर्वजों के लिए दुआएं मांगते हैं और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। वहीं इस मौके पर कब्रिस्तानों को दीप, मोमबत्ती और लाइट से जगमगाता देखा गया, जो आप तस्वीर के माध्यम से भी भलीभांति देख सकते हैं। इस प्रकार 22 प्रखंड के छोटी बड़ी लगभग सभी कब्रिस्तानों को सजाया गया है। इस मौके पर घरों में भी अगरबत्ती और दीप जगमगाते नजर आए। आज किस त्यौहार को लेकर आप लोग यहाँ? आज शबे बारात है, साल का पहला त्यौहार। साल का पहला त्यौहार जी। किस रूप में मनाते हैं, कैसे मनाते हैं त्यौहार को आप लोग? इसमें जो है तीन चार किस्म का जो है हलवा बनते हैं, गाजर का हुआ, बादाम का हुआ, चना का, उसके बाद सूजी का हुआ, मैदा का हुआ, गुड़ का। यहाँ जो कब्रिस्तान में आते हैं, किस मकसद से आप लोग आते हैं? इसलिए आते हैं जो जो हमारा मजहब में जो तौर तरीका है, जिस तरीके से करना चाहिए। हाँ, जो अगरबत्ती आदमी आकर के दुआ दरूद करके जाते हैं पूरे साल में, जो हमारे मजहब में दिया जाता है, जो आज ही का दिन में मतलब जो है उनका रोटी रोटी दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर आलम। ये है बरकी दीगी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में आते हैं, किस प्रकार की मन्नतों को आप लोग करने का आते हैं? सुबह रात के दिन आना ही पड़ता है अगरबत्ती जलाने, दुआ करने के लिए। क्या क्या दुआएं आप लोग करते हैं? ऐसे ही कि जन्नत में जाएं। यहाँ पर आप लोग किसके सामने दुआएं करते हैं? कब्रिस्तान में आके आप लोग के जो पूर्वज जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए। आप अभी कहाँ पहुँचे हैं, कौन सा कब्रिस्तान? बरगी दीगी। क्या नाम है आपका? बारात के लिए आप लोग यहाँ कब्रिस्तान पहुँचे हैं, किस तरह से आप लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, क्या महत्व है इसका? इस त्यौहार का महत्व तो बहुत है। कब्रिस्तान में हम लोग जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फातिया करते हैं, और ये जो त्यौहार है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार का क्या के लिए, इस त्यौहार का क्या आखिर कुछ कहानी होती है, इसका त्यौहार के पीछे क्या कहानी है? इस त्यौहार के पीछे ये जो मर जाते हैं उनके लिए है, मुर्दों के लिए जो हम लोग दुआ दरूद पढ़ते हैं, फातिहा करते हैं, ताकि उन्हें जन्नत मिले, ताकि उनको जन्नत में जगह मिले। आप किसके लिए दुआ करने आए हैं आज? हम अपने दादा के लिए, दादी के लिए, चाचा भाई जितने भी पहले हमसे पहले गुजरे हैं उन्हीं के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईसुल खान। इस त्यौहार को किस नाम से जानते हैं? शबे बारात के नाम से जानते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस त्यौहार से शुरुआत होती है मुसलमान समुदाय जी, के लोगों की? त्यौहार से शुरुआत ही होती है, मुसलमान का सबसे पहला त्यौहार हुआ ये साल का। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।